करने का प्रयास ना करे ईडी के इशारे पे, केंद्र सरकार के इशारे पे। नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के लिए भारी करने वाला। महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी का देशव्यापी प्रदर्शन जारी है। इस सिलसिले में झारखंड कांग्रेस ने भी राजधानी रांची में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान झारखंड कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा, खूब नारेबाजी की। पुलिस प्रशासन के साथ इस दौरान नेताओं और कार्यकर्ताओं की झड़प भी हो गई। हंगामे के बीच पुलिस ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, मंत्री बन्ना गुप्ता, बरकागांव विधायक अंबा प्रसाद और महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह सहित कई अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा से भाग रही है, अपने फैसले जनता पर थोप रही है। जनता महंगाई के बोझ तले दबी है, सरकार सुन नहीं रही। झारखंड कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर पर लिखा कि महंगाई बेरोजगारी चरम पर है, लोकतंत्र खतरे में है। ऐसे में हम सभी कांग्रेस जनों का दायित्व है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए, जनता को महंगाई से राहत दिलाने के लिए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करना है। महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि सदन में हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है, सड़क पर प्रदर्शन करने पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। केंद्र सरकार जनता को हिंदू और मुस्लिम में बांट कर राज करना चाहती है। उन्होंने केंद्र सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष की नहीं सुनी जा रही, सरकार मनमाने फैसले ले रही है। उन्होंने कहा कि वे चाहे जितना जोर लगा लें, लेकिन कांग्रेस जनमुद्दों को लेकर आवाज उठाती रहेगी, विरोध करती रहेगी। बरकागांव विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि केंद्र सरकार तानाशाही पर उतर आई है, कोई आवाज उठाता है तो उसे केंद्रीय एजेंसियों का डर दिखाया जाता है। सीबीआई और ईडी के जरिए विपक्षी नेताओं की आवाज दबाने की कोशिश की जाती है, सदन में बोलने नहीं दिया जाता और सड़क पर दमनात्मक कार्रवाई होती है। जनता महंगाई के बोझ तले पिस रही है, भ्रष्टाचार चरम पर है, देश में ऐतिहासिक बेरोजगारी है, सरकार इसका समाधान करने की बजाय तानाशाही कर रही है। आने वाला समय नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के लिए भारी करने वाला। जब से मोदी मोदी सरकार है, हाय 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 हाय, जुल्म करना बंद करो, बहुत कम महंगाई की मार। अब नहीं मोदी सरकार कहने वाली सरकार ने गरीबों की रोटी लेने का काम किया है। प्रशासन ने धक्का देने का काम किया है और ये प्रशासन को हम चेता देना चाहते हैं कि इस तरह का कारगुजारी प्रशासन ना किया करे। हम शांतिपूर्ण ढंग से महंगाई के खिलाफ निम्न वर्गीय मध्यम वर्गीय परिवार के साथ कांग्रेस पार्टी आज खड़ा है। कांग्रेस आज देश व्यापी आंदोलन कर रही है, लेकिन प्रशासन के लोग को हम फिर चेताना चाहते हैं कि वो इस तरह का कार्य ना करें जिससे उनको भविष्य में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। लोग राजभवन जाने के क्रम में प्रशासन ने मुझे धक्का दिया जिससे मैं गिर गया। लेकिन आप लोग जिस तरह से बैरिकेडिंग तोड़ करके राजभवन के गेट पे पहुंच गए, यहाँ निषेधाज्ञा लागू है, क्या कहेंगे पूरे पुलिस प्रशासन? देखिए, ये महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे के कोई डाइवर्सन पर न ले जाया जाए, यही हमारी गुजारिश है। निम्न वर्गीय मध्यम वर्गीय परिवार आज भूख से मर रहा है, सबसे बड़ा मुद्दा इस देश के लिए ये है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये आंदोलन था ये टीआरपी का विषय हो सकता है कि कांग्रेसियों ने उदंडता की है। कांग्रेस पार्टी एक संस्कारी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी इस देश के कानून को मानने वाली पार्टी है। हम उदंडता नहीं कर सकते। हम प्रधानमंत्री से यह मांग करते हैं कि आप जो महंगाई बढ़ाए हो उसको आप वापस लो। कफन से लेकर लकड़ी तक में जीएसटी, खाद्य पदार्थों में जीएसटी, ये निम्न वर्गीय मध्यम वर्गीय परिवार के साथ साथ पूरे देश की आवाम के साथ धोखा है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।